सरोकार मंच के द्वारा प्रसारित की जाई श्रृंखलाओं में हमारी एक श्रृंखला है इनसे मिलिए, उसमें हम विशिष्ट जनों को का साक्षात्कार करते हैं, उनकी रचनात्मकता पर बात करते हैं। तो आज ये सौभाग्य की बात है कि आज हम आपके साथ जुड़े हैं और जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रबुद्ध श्रोताओं के साथ जुड़कर आपसे बात करेंगे आपकी रचना धर्मिता पर। और जैसा मुझे अंदाजा है कि आप गजल में विशेष रुचि रखते हैं तो गजल पर भी बात करेंगे, और अगर आप बताएंगे थोड़ा सा कि गजल के साथ अन्य विधाओं में भी आपका हस्तक्षेप है तो अपन उस पर भी बात करेंगे। तो थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए कि ये अभिव्यक्ति की उम्र आपके संग कब से जुड़ी, कब से आपने की जी अपने को उम्र अब तक की उम्र के पड़ाव में आपने लिखना या अपने आप से बात करना कहना कब किस उम्र से शुरू किया? मैं लगभग जो लिख रहा हूँ 12वीं क्लास से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। बहुत अच्छे। और उसी वक्त में सुनता था, काफी गजलें सुनता भी था और पढ़ता भी था, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो लगातार साहित्य से जुड़ा रहता था। सभी विशेष बड़े बड़े लेखक हैं और बड़े बड़े गीतकार हैं हिंदी साहित्य में जितने भी हैं, सबको सुना, सबको पढ़ा। उन्हीं से उनको पढ़ के ही खुद को एक्सप्रेस करने की शुरू की अंदर सबसे पहले जी, क्योंकि कविता जो है अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। सशक्त माध्यम है जी। तो मैंने सबसे पहले कविताएं लिखना शुरू किया था, और जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आया, दयानंद कॉलेज अजमेर में था मैं, तो सबसे पहले मेरी कविता वहाँ की मैगजीन जो है उसमें पब्लिश हुई, मनीषी। मनीषी एक मैगजीन निकलती थी दयानंद कॉलेज की अजमेर की, उसमें मेरी सबसे जी उसमें मेरी एक एतुकांत कविता प्रकाशित हुई थी, भित्ति पत्रिका में भी प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में धीरे धीरे सिलसिले को आगे बढ़ाता गया मैं, और ज्यादातर शुरू में तो स्वांत सुखाई ही लिखा, क्योंकि सब स्वांत सुखाई शुरू करते हैं। फिर जब आपको अभिव्यक्ति का माध्यम मिल जाता है तो लगभग ये अभ्यास की तरह शुरू हो जाता है कि जो मन की भावनाएं हैं, मनोभाव हैं, उनको जो हम सबके सामने अभिव्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो हम उसको कविता को, गजल को ये माध्यम बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने भी यही किया, और साथ साथ खुद को परिष्कृत करने की, जब ये सोच लिया कि खुद को अभिव्यक्ति इसी तरह से करना है तो उसको परिष्कृत करने के लिए अच्छे जो लेखक हैं, जो निरंतर अभ्यास शुरू हो जाता है जी, वो एक अनवरत और एक तरह से वो साधना की तरह ही शुरू हो गया। शुरू शुरू में जब लिखना शुरू किया तो हालत ये हो जाती थी खुद को लिखने से रोक भी नहीं पाते थे। हाँ? ये स्थिति हो जाती है, ये प्रभाव बहुत तेजी से आता है, क्योंकि कविता लिखना एक तरह से यात्रा करना है, अपने अंतर्मन की यात्रा तो है ही, और जब इस यात्रा में आप इस नौका में सवार हो जाते हैं तो आपको लहरों के साथ साथ चलना पड़ता है, और फिर आपका खुद पर नियंत्रण नहीं रहता। जहां नदी का प्रवाह, जहां लहरें आपको ले जाती हैं, आपको उसी दिशा में उसी प्रवाह के साथ बहना पड़ता है। तो मैं भी उसी के साथ बहना शुरू कर दिया, और यहाँ एक शुरू शुरू छोटी सी बात पूछ रहा हूँ जी, अन्यथा ना लेना। हेलो जी भी। जब आपने लहरों का जिक्र किया है और जिस उम्र का आपने बताया है कि जहां से आपकी यात्रा शुरू होती है, वो उम्र तो रोमांस से परिचित होने की उम्र होती है जी, बिल्कुल। तो कोई ऐसी छोटी सी रचना पुरानी आपको याद हो जो आपके, जैसे कहते हैं ना, प्रथम मिलन और पहला प्यार
या पहली कोई रोमांटिक घटना उससे जुड़ी हुई कुछ पंक्तियां हो तो सुनाइए, अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, मैं वही सुना देता हूँ जो सबसे पहले प्रकाशित हुई जीवन के अंदर। स्वागत है, स्वागत। एतुकांत कविता थी, क्योंकि क्योंकि हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था तो हिंदी एक तरह से अंतरतम में जो होते हैं उसमें समाई हुई थी, तो हिंदी में ही बहुत ज्यादा मैं बात करता था, शुद्ध हिंदी में ही बात करता था, शुद्ध हिंदी में ही बोलता था और खुद को अभियुक्त भी शुद्ध हिंदी में ही करता था मैं। ठीक तो है, कविता ये थी कि मैं तुमको ढूंढता हूँ, वाह मैं तुमको ढूंढता हूँ सिर्फ तुमको, हकीकत ठीक के है। तल्ख किनारों से परे कल्पनाओं के सुगम सागर में मैं तुमको ढूंढता हूँ, सिर्फ तुमको ढूंढता हूँ। अच्छी बात, मैं ढूंढता हूँ, मैं सिर्फ तुमको ढूंढता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कभी तुम्हें कवि की सरिता में, तुम्हें पाने को सोते गोते लगाता हूँ, और कभी किसी कथाकार की नायिका के भंवर में उलझ कर निश्चल निरुद्वेग सिर्फ तुम्हीं को ढूंढता हूँ। यही वे साधन है जिनके बल पर मैं तुम्हारे अर्ध रूप से परिचित हो चुका हूँ, ठीक पर मैं तुम्हारे पूर्ण रूप से परिचित होना चाहता हूँ। है, वाह, तुम्हें छूना, तुम्हारे पूर्ण रूप से परिचित होना चाहता हूँ, पर मैं पूरी याद नहीं, अभी लिखी भी है कहीं, मैं अभी बात होती तो मैं आपको पूरी, नहीं, अगर नहीं लिखी नहीं भी है तो बोलिए कहीं जी। मैं, पर मैं तुम्हारे पूर्ण रूप से परिचित होना चाहता हूँ। पर क्या ये थके हुए पांव मेरा साथ देंगे, क्या तुम भी मेरी कल्पनाओं सी रात दे सकोगी, तभी मैं ये मार्ग तय कर सकूंगा, तुम्हें ढूंढ सकूंगा। कविता थोड़ी अच्छी लंबी थी, बात अब है। मुझे थोड़ी याद नहीं आ रही है, लेकिन नहीं, अंत इसमें इसका यही। जो कुछ मैं आपसे सुनना चाह रहा था वो सब इसमें आ चुका है। जी देखिए, शुरुआती दौर में जो एक अनसर्टेनिटी होती है, जी अनिश्चितता का भाव हमें भयग्रस्त करता है, और हम पूर्णता को समझते नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से समझ लेना या पा लेना चाहते हैं। जी उस प्यास को, उस भूख को अभिव्यक्त करना, ये उस उम्र की, उस रोमांस की मांग होती है। वो स्वाभाविक है। आपने नैसर्गिक रूप से लिखा है, इसलिए स्वागत योग्य है और अच्छी रचना है। जी अब मैं आपसे जानूंगा कि आगे बढ़ते बढ़ते आप गजल की तरफ कैसे मुखातिब हो गए ज्यादा। मैं लगातार हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था तो पढ़ता बहुत था, ठीक तो है, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि गजल उन दिनों के अंदर सुनने का मौका मिला, अच्छे अच्छे शायरों को सुनने का मौका मिला, गुलाम अली, मेहदी हसन, जगजीत सिंह, चंदन ठीक दास, अनूप जलोटा, है, इनकी गजलें काफी सुनता था, तो धीरे धीरे झुकाव गजल की तरफ ज्यादा होने लग गया, क्योंकि जो चीज हम आसपास ज्यादा पाते जी। उसका लेकिन प्रभाव पड़ने लग जाता है आप पर, तो मुझ पर भी उसका ज्यादा जिनका प्रभाव पड़ने आपने लगा। जिक्र हालांकि किया, मैंने ये कभी मूल हिंदी में लिखना छोड़ा नहीं, कुछ ना कुछ लिखता देखिए, रहता था जिनका धीरे आपने धीरे, जिक्र किया लेकिन मुझे ना, ऐसा लगा कि मैं सबसे ज्यादा खुद को अच्छा एक्सप्रेस जो है, अभिव्यक्त जो है, वो मैं गजल के माध्यम से ही कर सकता हूँ। नहीं, गजल मेरा की एक निवेदन है, जी मेरा एक निवेदन ये है कि जिनका आपने जिक्र किया ये सब मूल जी रूप से तो गजल गायक रहे हैं, जी गजलकार नहीं थे। इनकी अपनी गजलें तो थी नहीं, लेकिन गजलों से पहचान कराने में ये सक्षम कलाकार जी जिन्होंने बिल्कुल, हमारे मानस पर गजल के होने का प्रभाव डाला, नहीं गजल से आसानी से परिचित होने का। क्या जाहिर मैं सी ठीक बात कह रहा है। हूं? जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, गजल जी सुनना सुन कर ही आपको पता लगता है कि किसने लिखी, हाँ, अगर नहीं, कोई वो आसानी से अंदर जाती है जी, सुनने सुनने का प्रभाव भी पड़ता है, पढ़ने का एक प्रभाव अलग पड़ता है प्रभाव है, दोनों जी चीज जी का है। जब हम कोई गजल सुनते हैं उसके शब्द अच्छे लगते हैं या उसके भाव अच्छे अच्छे लगते लगते हैं, हैं, तो हम बिल्कुल ये सही कह कोशिश रहे हैं, करते हैं कि ये इसका लिखने वाला कौन है, कितना अच्छा लिखा है इसने, तो सही वो है तलाश मेरी हमेशा से रहती थी कि किसने लिखी, ढूंढता था मैं, पता लगता था ये शायर है, गालिब की सुनी या नासिर काजमी की सुनी, निदा फाजली की सुनी, जिनकी भी खैर सभी अच्छा ठीक लिखने है, वाले हैं, तो ठीक है लिखने उनको सुनने के बाद में फिर उनको पढ़ता था। जो जी, हाँ गायक तो अपने तरीके से भाव से गाता है, आपको वो एक अलग उस पर ले जाता है,
एक अलग स्तर पर ले आता है, सुनना एक अलग है और पढ़ के, क्योंकि पढ़ना पढ़ने में अलग, तो पढ़ना अलग, पढ़ने से आप उन शब्दों के गहरे तक जाते हैं जी और हाँ। सुनने में आप वो उस मनोभाव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं, वो लय यात्रा ताल मेरी आकर्षित करती है ना, लय ताल का आकर्षण। आकर्षण है, सुर है, तरन्नुम है, ये कई चीजें जो है उसको जी और हाँ, बढ़ा देती है। और जी जब हाँ, हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में खुद अपने आप से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, गायक ने तो सुना के आपको बता दिया, आपको अपने जी हाँ, जहां उसका जहां तक वो उसकी होती है वहां तक वो ले जी गया, उसके बाद में आप खुद पढ़ते हैं उसे, उन शब्दों को, उन मनोभावों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से शुरुआत जी होगी। हाँ। तो शुरुआत दौर में जब गजल शुरू लिखना आपने करी, तो जी और आज इस यात्रा में आप यहां तक पहुंचे हैं, जी इसमें क्या फर्क महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि इस यात्रा में बहुत सारी ऐसी बातें और जुड़ गई हैं, वो आपके अनुभव से या आपके सोच, चीजों को समझने की दृष्टि, उससे गजल मैच्योर हो गई आपकी? ये कैसे, कितना अंतर महसूस करते हैं? नहीं, स्वाभाविक रूप से अंतर तो आता ही है, जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो उस रास्ते राह को पहचानने भी लग जाते हैं कि यहाँ कांटे हैं, यहाँ गड्ढे हैं, तो सहज सब बात चीजों को, क्योंकि वो जिस जहाँ आपने शुरू कर दिया उस परिवेश में सब कुछ देखना पड़ेगा आपको, कैसे लिखते है। हैं, शहरों ने कैसे खुद को अभिव्यक्त किया। अगर मैं ये चीज सोच रहा हूँ, ये संवेदना मेरे मन में है, तो तो उन्होंने मैं जिस तरह से कैसे अभिव्यक्त लिखता किया, मैं कैसे जी, करूँ, वो मैं धीरे धीरे और परिपक्व होती जाती है, वो कम तो होगी नहीं, बिल्कुल परिपक्व भी होती सही जाएगी। कह, हाँ, तो आगे धीरे धीरे, बढ़ो। पर शुरू में लिखते थे तो खुद को लगता था कि हाँ इसमें कमी है, पूछते भी थे, जैसे जी हमारे आदरणीय गोपालगढ़ सर हैं, वो शुरू से हाँ, उनका साथ रहा मेरा, तो उनके सही पास है भी ले आता था, वो बताते थे, कई चीजें उन्होंने बताई, इस तरह नहीं, इस तरह से लिखा जाता है। तो सबका अनुभव लिया, सही, पढ़ा भी, पढ़ने से भी लिया, खुद के जो जीवन अनुभव हैं उनको भी शामिल किया, और खुद की मनोभाव, खुद की संवेदनाएं जो हैं उनको एक्सप्रेस करना एक शुरू छोटा कर सा दिया। प्रश्न उपजता है आज के वर्तमान में, कि जी आप जैसे युवा लेखक, आज की जो सामाजिक आर्थिक दूसरे दबाव जो हैं हम पर, उनके साथ जुड़ते हुए जो रचनाएं आपके सामने आ रही हैं, उनमें या उन लोगों के लिए जो उस दबाव से गुजर रहे हैं, कितनी जगह है, कितना स्पेस दे रहे हैं आज के रचनाकार ऐसे लोगों के लिए जो एक बहुत, अधिकांश लोग दबाव में जी रहे हैं, संघर्षरत हैं, चाहे वो वैसे सामाजिकता को लेकर हो, चाहे आर्थिकता को लेकर हो, या दूसरे कोई उनकी अपनी निजी बातें हो, क्या गजल गजल उन तक भी पहुंच रही है? कैसे, बिल्कुल पहुंच रही है। गजल थोड़ा कोई, सा बताएंगे? गजल के लिए जो कहा जाता है वो शुरू शुरू में जो परिभाषाएं, कई परिभाषाएं मैंने भी सुनी है, पढ़ी हैं, जो जी महबूब से हम कलाम होना या खिताब करना, ये हाँ, वो कहा जाता पुराना है, वो ट्रेडिशनल फॉर्म था गजल का। ट्रेडिशनल फॉर्म था। और गजल शुरू जी शुरू में तो महफिलों में ही, महफिलों तक महदूद थी, महफिलों में ही गाई सही जाती है, थी, शायरी एक दूसरे को सुनाते थे, तो ठीक है। जाहिर सी बात है उसमें उनका बौद्धिक विलास भी होता ही था। लेकिन धीरे धीरे सही गजल है, जब आम महफिलों से निकलकर आम लोगों तक आई, तो उसमें श्रृंगार के साथ साथ दूसरी चीजें भी शामिल होने लगी। आज जी आज की स्थिति है, गजल कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे वो कवर नहीं करती हो, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र को कवर करती है वो। जी जैसे कहा भी है कि रूह जब वज्द में आए तो गजल होती है, या कोई दिल हाँ, को दुखाए तो गजल होती है, तो गमे जाना ही से मैं मौकूफ नहीं शेरो गजल, गमे वाह, दौरान भी सताए
तो गजल होती है। तो गजल गालिब ने भी कहा था हालांकि कि गमे दुनिया में सर खपाता हूं मैं कहां और ये बबाल कहां। ठीक शायर जो है वो खुद के मनोभाव लिखने के साथ साथ, क्योंकि साहित्य का मतलब भी साहित्य है, साथ लेके चलना है, खुद का तो है ही, बिल्कुल सही। व्यष्टि में ही समष्टि है, समष्टि में ही व्यष्टि है। तो गजल ने कई पड़ाव पार किए हैं, शुरू में भले ही वो श्रृंगार रस से रहा हो या महबूब से बातें करने रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उसका क्षेत्र व्यापक होता जा रहा है। आज कोई ऐसी बात नहीं है जो आप गजल में नहीं लिख सकते, कोई और गजल कोई का आपने रचना भी, कोई आपकी अपनी प्रिय रचना इस संदर्भ में हो तो सुना दीजिए। सामाजिक सरोकार से संबंधित तो एक गजल मैं जी आपके पेश कर सकता बिल्कुल हूँ। वैसे बिल्कुल, मैं ऐसे में बहुत कम लिखता हूँ, क्योंकि जो जो कम लिखते हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं। जी जी बिल्कुल सुनाता हूँ। जैसे जी आपने कहा था कि भाई आम लोगों को कैसे अभियुक्त करोगे, एक गजल लिखी थी कि महल के पास मैली बस्तियां अच्छी नहीं लगती, महल के पास मैली बस्तियां अच्छी नहीं लगती, अमीरे शहर को ये झुग्गियां अच्छी नहीं अच्छी लगती, नहीं लगती। और रईसों की तो आबो ताब के ठसके निराले हैं, रईसों की तो आबो ताब के ठसके निराले हैं, उन्हें अपने से कमतर हस्तियां अच्छी नहीं अच्छी नहीं लगती, लगती, अच्छा कहा है। और अमीरों की हवेली छोड़कर केवल गरीबों के, अमीरों की हवेली छोड़कर केवल गरीबों के नशे मन पर गरजती बिजलियां अच्छी नहीं लगती, क्या और बात है, पसीने की कमाई का अलग ही स्वाद होता है, आह पसीने की कमाई का अलग ही स्वाद होता है, बिना मेहनत मिले तो रोटियां अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती। और बिल्कुल अच्छा नीचे के स्तर के व्यक्ति की बात है, जी वो लिखी है मैंने कि गरज मिस्कीन को खैरात से होती है पर उनको, गरज ठीक है मिस्कीन को खैरात से होती है पर उनको, दिखावे जी, से भरी ये नेकियां अच्छी नहीं अच्छी नहीं लगती, लगती। खुद सुंदर है, सुंदर है भाई। तलातुम तो हमेशा गर्क करते हैं सफीनों को, तलातुम तो हमेशा गर्क करते हैं सफीनों को, समंदर को भी टूटी कश्तियां अच्छी नहीं अच्छी नहीं लगती। लगती, सुंदर बात है भाई, सुंदर बात। और एक जैसे बेटियों पर काफी लिखा जाता, मैंने भी कोशिश की थी कि सुंदर स्वागत। जन्म लेने से पहले कोख में ही मार देते हैं, जन्म लेने से पहले कोख में ही मार देते हैं, है कुछ बेदर्द जिनको बेटियां अच्छी नहीं अच्छी नहीं लगती। लगती, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो कभी कभी सामाजिक सरोकार भी निभाने पड़ते हैं, जो कर्तव्य नहीं नहीं है एक लेखक, देखिए, लेखक हम जिस मेरा अपना परिवेश में रह सोच, रहे हैं। मेरा अपना जी सोच तो है कि अब वक्त की मांग है जी कि साहित्य, अधिकांश साहित्य सामाजिक सरोकारों को लेकर ही लिखा जाए, क्योंकि बिल्कुल इसकी मुझे ज्यादा कमी महसूस होती है या ज्यादा जरूरत महसूस होती है। क्योंकि जी अगर बिल्कुल साहित्य में सरोकार नहीं है तो साहित्य की प्रासंगिकता वर्तमान में तो बहुत पीछे चली जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, लेखक आप लेखक बताइए। साहित्यकार कवि शायर मनुष्य तो है ही, वो बिल्कुल उससे इनकार नहीं कर सकते, जो बिल्कुल, एक आम जन को तकलीफ होती है वो उससे वो खुद भी गुजरता है, तो जाहिर सी बात है जी कि वो उसका कर्तव्य है। एक बड़ा सोच का एक फर्क नजर आता है गजलकारों में, जी और अक्सर ये प्रश्न उठता दिखाई देता है कि गजल में के हिंदी गजल उर्दू, इस मसले पर आप क्या कहेंगे? उर्दू हिंदी में तो कभी इस चीज के अंदर मैंने कोई फर्क महसूस नहीं किया कि अलग अच्छा से कोई हिंदी गजल हो या उर्दू गजल हो, क्योंकि उर्दू अपने आप में कोई विदेशी कोई भाषा नहीं है, अलग से कोई भाषा नहीं है, वो हिंदुस्तानी ही नहीं, भाषा है। हाँ सिर्फ इतना हो सकता है जो मतलब, क्योंकि ये उर्दू की है तो एक अलग परिवेश भी, क्योंकि जिन्होंने इसको
शुरू किया है उस परिवेश को, वो हमें हुए हैं, चल रहे हैं, लेकिन काफी कुछ वो उससे निकले भी हैं, क्योंकि गजल बहुत आगे, बहुत प्रगति की है, बहुत जी आधुनिक भी हुई है। तो उनमें जी केवल फर्क इतना है, मैं तो जो व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ, फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप उसके अंदर जो तत्सम जो शब्द हैं, जैसे जी हिंदी के बिल्कुल शुद्ध शब्द हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी हाँ हाँ भाव तो वही है, कहन भी वही है, सब कुछ वही है। जी जो अनुशासन है जो गजल का होता है, वो उन्हें भी निभाना पड़ता है, और हिंदी गजलकार को जी भी निभाना पड़ता है। केवल ये है तो कि गजल जी जी तो गजल की जो व्याकरण है, जी क्या हिंदी गजल में उसमें कुछ अतिरिक्त छूट है या वो व्याकरण से वैसी ही बंधी हुई है जैसे कि उर्दू गजल में, नहीं, या दोनों के समान है। नहीं, दोनों में कोई दोनों में फर्क महसूस नहीं, कोई फर्क नहीं है, फर्क कोई है? नहीं अच्छा है। मुझे तो कभी नहीं लगा, मैंने भी हिंदी गजल लिखी है, लेकिन मैं कभी इस चीज को महसूस नहीं किया, जो जी अनुशासन, क्योंकि काव्य जो है वो उसका, उसमें अनुशासन बहुत जरूरी है। वो आप ठीक हिंदी कह गजल रहे हैं लिखोगे तो भी आपको निर्वाह करना है, और उर्दू गजल जी। लिखेंगे तो भी निर्वाह करना है, बस केवल शब्दों का अंतर है, भाव वो कि वही है। जी अब हाँ, आप भाव देखिए, तो है जी अब जैसे जी आप, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, निदा फाजली गजल है वो, आप उसको हिंदी गजल भी कह सकते हैं। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, बहुत अच्छा सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, अपनी ही लाश का खुद मजार आदमी। ये बहुत की अच्छा, बात अब हिंदी गजल में भी यही कही जाती है, कहन एक ही है, केवल शब्द जो है कहने वो हाँ हिंदी के तत्सम शब्दों शब्द, का हिंदी के सही है तत्सम शब्द जो है वो उपयोग में लाते हैं, बस इतना फर्क है। जी बाकी उर्दू कोई अलग से नहीं है, उर्दू हिंदुस्तानी ही है, और जी हाँ हिंदी हिंदी भी, क्योंकि उर्दू को हिंदवी ही कहते हैं, उर्दू को हिंदवी ही कहते हैं, हिंदुस्तानी ही कहते हैं, तो जी उसमें कोई अलग, मुझे कभी फर्क महसूस नहीं हुआ, और मैं कभी फर्क लगता भी नहीं कि मैंने, मेरे लिए रहा हो। मैं अगर चाहूँ, अगर जो मैं गजल लिखता हूँ उसमें हिंदी के शब्द भी लेके आता हूँ मैं, कई बार बिल्कुल शुद्ध हिंदी आते के हैं। शब्द भी आ जाए, बिल्कुल आ सकते हैं। केवल नहीं, ऐसा कोई नहीं, प्रतिबंध तो है ही नहीं, ऐसी कोई हिंदी व्यवस्था तो है हिंदी नहीं। गजल पहले भी लिखी जा रही थी, केवल ये है कि उसको पहचान दुष्यंत कुमार जी के बाद में मिली, जब उन्होंने जी उसे, उसमें हिंदी के शब्द आने लगे, एक भाव जो, एक अलग तरह की भावधारा वो लेके आए, उससे हिंदी गजल कहना शुरू किया। बाकी गजल गजल ही है, क्योंकि अगर बात यह है कि कहीं ना कहीं दुष्यंत जी ने सोचा होगा या कृष्ण कुमार जी ने, परिचय हिंदी अनुभाग में भी रखकर उसको देखा जाए, क्योंकि मान्यता तो ये है कि ये साहस दुष्यंत जी ने ही किया जी हिंदी गजल का। ऐसा लगता है आपको कि उनको कहीं किसी कारणों से ऐसी जरूरत महसूस हुई होगी, कोई व्यवस्था रही होगी उनकी? केवल ये हो जी सकती है कि उर्दू गजल ज्यादातर, एक जैसे आपने अनुभाग की बात की, तो हाँ भाग तो है तो एक ही चीज, केवल वो एक जी सेक्शन बदल गया, हाँ जो परंपरागत, जो उर्दू की रवायती जो धारा है उससे जी हटके थोड़ा प्रभाव उसका नहीं, बदल गया, मैं दिशा बदल गई उसकी। उसी की बात कर रहा हूं कि ये दुष्यंत जी को क्यों ऐसा लगा कि अब थोड़ा बदलाव जरूरी है भाषागत, ऐसा उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? उर्दू गजल की रवायती धारा को बदलने का एक था, और उससे ज्यादा क्या है? सिर्फ धारा ही बदलना था, या खुद की पहचान भी हो सकती है, कि खुद की पहचान हिंदी गजल से कराना चाहते हो। तो बदलाव तो जी आए, बिल्कुल बदलाव आया। एक छोटा सा प्रश्न है, उसके बाद फिर आपके रचनाओं को रसा स्वादन करेंगे। जी छोटा सा प्रश्न और साथ में जुड़ता है, क्या आप जैसे हिंदी के साहित्य में, गीतों में, कविताओं में बहुत सारे इनके फॉर्मेट्स बदले हैं जी और एक बड़ी कसमसाहट रही है कि छंद मुक्त होने की,
जी उसे कभी आप अकविता कहते हैं, कभी नई कविता कहते हैं, अलग अलग फॉर्मेट से और बड़े आंदोलन के रूप में चले हैं जी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि गजल को लेकर भी ऐसा कुछ महसूस किया गया है? नहीं, गजल को कभी इस तरह का कोई, मैं तो आंदोलन कभी चलते देखे लेकिन ना जरूरत महसूस हुई, क्योंकि गजल का अनुशासन ही उसका सौंदर्य है। जी जो एक्सप्रेशन, जो आदमी एक्सप्रेस अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करना चाहता है उसके लिए अलग अलग माध्यम चुन सकता है, वो उसकी इच्छा पर है। जिसको जहाँ अच्छा लगता है, किसी को एतुकांत जो छंद मुक्त है वो लिखना अच्छा लगता है, उर्दू में भी इस तरह की अगर आप गजल में कोई बात लगता है कि गजल में नहीं कह पाऊंगा या मैं बहुत व्यापक बात है या कोई बहुत बड़ी बात कहना चाहता है तो आजाद नज्म है, आजाद नज्म भी लिख सकता है वो। हाँ, उधर जा सकता है, जा सकता है ये। इसके लिए कोई अलग से सोचे कि मैं एक कविता ही लिखूं या गीत ही लिखूं, वो इस तरह की कोई बात नहीं। बिल्कुल खुला है क्षेत्र, खुला है जहां आपको अच्छा लगता है। मेरे जो मैं साक्षात्कार करता हूँ जिनमें कई लोगों का ये मत सामने आया है कि गजल में जो ये अनुशासन की बात आपने कही है जी, ये अनुशासन उनकी अभिव्यक्ति को कभी कभी बहुत प्रभावपूर्ण ढंग से रोकता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, रोकता तो नहीं है, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि रोकता हो, जबकि मुझे तो व्यक्तिगत रूप से कहूं तो गजल में एक फायदा है, एक लाभ है जो इसमें कविता में या गीत में या छंद मुक्त में इनमें नहीं होता, कि अगर आप कोई गीत लिखते हैं या कविता लिखते हैं तो वो भाव जो है आपको एक ही भाव को लेके क्यों चलना है, और आपको एक ही सिटिंग के अंदर एक ही बार में अगर आप उसको लिख सकते हैं, रच सकते हैं तो वो एक ही बार में हो सकता है। सही। वो अगर आपने उसे रोक दिया कि मैं 1 साल बाद लिखूंगा, 2 साल बाद लिखूंगा, वो संभव नहीं हो पाता है। गजल एक सुविधा देती है कि आपने एक अगर मतला लिख लिया, मुखड़ा लिख लिया, तो उसके लिए आप समय भी ले सकते हैं, क्योंकि गजल जो है वो जरूरी नहीं कि एक ही भाव को लेके चलती है, उसके वो दो हर दो क्षेत्र पंक्तियों में बटी हुई है ना, आजाद है। एक अगर वो आपने दो दो मतलब पंक्तियों में बटी हुई है, इसलिए जी अन्य पंक्तियों से तारतम्य हो या ना हो वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं लगता ना। जी बिल्कुल, लेकिन जैसे अनुशासन कविता तो है अगर रदीफ, अनुशासन तो रदीफ काफियों को लेकर तो है, जी, लेकिन आपकी अनुभूति या आपकी अभिव्यक्ति दो दो लाइनों तक सीमित है, जी उसी में आपको अपनी बात कहनी है। वो अनुशासन भी आपको, वो अनुशासन भी आपको एक स्वतंत्रता भी देता है। हाँ, लेकिन ये स्वतंत्रता देता है कि आगे की पंक्तियां उनसे संबद्ध हैं या नहीं है, ये छूट भी तो है। बिल्कुल, ये एक एक ही गजल के अंदर आप अलग अलग मनोभाव जो है, अलग अलग दशाएं, उनको भी आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, और गीत में उसी आपको प्रभाव को आगे लेके चलना पड़ता है। आगे लेके जाना अगर होता है, ये तो अगर ये अलग एक एक दिशा जब जब आप लिखते हैं तो एक मनोभाव आपका चलता है, तो वो अगर एक ही बार में आपने एक ही सिटिंग के अंदर आप लिख गए तो होता है, फिर बीच के अंदर फिर उसको वापस उसी भावनाओं तक आने में, उन संवेदनाओं तक आने में आपको फिर दोबारा प्रयास करना पड़ता है। हाँ, गजल वो में ऐसा निरंतर नहीं है, अंदर, जब तक अंदर नहीं चलेगा निरंतर तब तक वो उसको आप जोड़ नहीं पाएंगे। वो निरंतरता बहुत जरूरी है गजल में। बहुत आपको ये सही सुविधा कह मिलती है रहे कि आप अलग अलग मनोभाव जो है अलग अलग समय में व्यक्त कर सकते हैं, तो ये चीज है। इसलिए जी। गजल में खुद को अभिव्यक्त करना में ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब गजलें तो सुनाओ मित्र। कुछ छोटे छोटी बहर की आपको गजल सुना, स्वागत है ये गजल लिखी है, जी। मुझे मुझे मेयार से अपनी उठा दे, मुझे अच्छा, मेयार से अपनी उठा दे, अगर गिर भी पढूं तो हौसला दे। मुझे अच्छा है। मेयार से अपनी उठा दे, अगर गिर भी पढूं तो हौसला दे, और न भरमा अब यकीन की रोशनी से, न भरमा अब यकीन की रोशनी से, दिया उम्मीद का भी
ये बुझा दे। और बहुत उनींदे हैं अच्छा, कई, उनींदे हैं कई जज्बात मुझ में, उनींदे बहुत हैं अच्छा। कई जज्बात मुझ में, जी क्या इन्हें एहसास की थपकी लगा दे। उनींदे बात। हैं कई एहसास मुझ में, उन्हें एहसास की थपकी लगा दे। बहुत बेरंग सी इस जिंदगी पर, बहुत जी बेरंग सी इस जिंदगी पर, कोई रंगीन तोहमत ही लगा दे। बहुत बेरंग सी इस जिंदगी पर, कोई रंगीन तोहमत ही लगा दे। और कभी तो काश वो फूलों के जैसे, क्या कभी बात तो है जी। काश वो फूलों की जैसे, ख्यालों में मेरे भी खिलखिला दे। और छुपा रखता है जैसे ख्वाहिशों को, छुपा वाह। रखता है जैसे ख्वाहिशों को, मुझे भी दिल में अपने आसरा दे। और लचकती शाख की मानिंद हूं मैं, तमन्नाओं के गुल इस पर खिला दे। और डुबो दे जो किनारों पर सफीना, तमन्नाओं डुबो दे जो किनारों पर सफीना, किसी को भी ना ऐसा ना खुदा दे। और ये देखिएगा बहुत बारी लिखा है इसमें, कि है मुझ में झील एक खामोशियों की, है मुझ में झील एक खामोशियों की, किरण अल्फाज की है मुझ में झील एक खामोशियों की, किरण लफ्जों की इसमें झील मिला दे। और उदासी दूर कर वहमो गुमा की, तसव्वुर में किसी दिन मुस्कुरा दे। और तराने छेड़ अपनी हसरतों के, तराने छेड़ अपनी हसरतों के, तरन्नुम में मोहब्बत गुनगुना दे। और नहीं जी भूला अभी तक मंजिलों को, नहीं भूला अभी तक मंजिलों को, मगर बढ़ने को कोई रास्ता दे। न कर अच्छे दिनों सा याद मुझको, बुरा सपना समझकर ही भुला दे। मुझे मियार से अपनी उठा दे, अगर गिर भी पड़ूं तो हौसला दे। अच्छी बात, बहुत सुंदर बात एक है जी। एक एक गजल लिखी है, थोड़ी मुश्किल मुश्किल है, लेकिन कोई मुश्किल बात लिखने में नहीं, ही मजा आता है। विश्वास तो करके इसमें अपना उर्दू के थोड़े श्रोता, अपने श्रोता भी प्रबुद्ध हैं। आप जी, सुनाइए। कि तू मुझसे आशना है, तू मुझसे आशना है, कुछ आश्कार कर। तू क्या मुझसे बात। आशना है, कुछ आश्कार कर, मेरा न हो सके तो खुद से ही प्यार कर। तू मुझसे बहुत अच्छा। आशना है, कुछ आश्कार कर, मेरा न हो सके तो खुद से ही प्यार कर। और माना कि खूबसूरत ये जिंदगी नहीं, माना कि खूबसूरत ये जिंदगी नहीं, कुछ ख्वाहिशों से इसका सोला सिंगार कर। मैं आपको बीच में बताना भूल गया कि मैं मेरे गजल के जो ज्यादातर मैं जिनके इस्तेमाल करता हूँ, वो उम्मीद, निराशा, आस, जी जी तमन्ना, तसव्वुर, जी जी ये जो शब्द हैं, क्योंकि ये जी मनुष्य के जीवन के अंग हैं। नहीं तो मैं बिल्कुल इन क्योंकि हाँ, ये क्योंकि मनुष्य जब तक रहेगा तब तक ये उम्मीदें, ये ये सब तमन्नाएं, रहेंगे ये ख्वाहिशें, हसरतें, यादें, ये सब रहेंगी। तो मैं बिल्कुल इन रहेंगे। इनमें इनका ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, नहीं, इनको अच्छा ज्यादा है, अपनी गजलों में इस्तेमाल करता हूँ। कि ठीक है। माना कि खूबसूरत ये जिंदगी नहीं, कुछ हाँ ख्वाहिशों से इसका सोला सिंगार कर। माना कि खूबसूरत सुंदर, ये जिंदगी नहीं, कुछ ख्वाहिशों से इसका सोला सिंगार कर। और मुझको उलांगनी है गुरबत की घाटियां, मुझको उलांगनी है गुरबत की ठीक घाटियां, तू भी तो सीमो जर के इस पुल को पार कर। मुझको बहुत उलांगनी अच्छे। है गुरबत की घाटियां, तू भी तो सीमो जर के इस पुल को पार कर। क्या अब बात, शेर देखिए, थोड़े थोड़ा बारीक है, नहीं कि सुनाइए। मेरी मेरी उदासियां तो कुछ बेसबब नहीं, मेरी उदासियां तो कुछ बेसबब नहीं, मुझ में तू जी रहा है बस एतवार कर। मेरी बहुत अच्छे, उदासियां बहुत तो कुछ बेसबब नहीं, मुझ में सुंदर, तू बहुत जी रहा सुंदर है बस है। एतबार कर। और बहुत बहने अच्छा। कभी ना पाए, बहने कभी ना पाए आंखों से फिर तेरी, बहने कभी ना पाए आंखों से फिर तेरी, अपने इन आंसुओं को कुछ होशियार कर। बहने कभी ना पाए आंखों से फिर तेरी, अपने इन आंसुओं को कुछ होशियार कर। और शेर देखिएगा बहुत, मेरा ही वक्त बद है, वक्त मेरा बुरा है, मेरा ही हाँ वक्त बद है बेरहम तू नहीं, मेरा क्या ही बात, वक्त बद है
बेरहम तू नहीं सयाद बेधड़क तू मेरा शिकार कर, मेरा ही वक्त बद है बेरहम तू नहीं सयाद बेधड़क तू मेरा शिकार कर। और इस पे खास खास गौर चाहूंगा कि तुझको तेरी महक से पहचान जाऊंगा, तुझको तेरी महक से पहचान जाऊंगा, मिलना कभी तू मुझसे, तुझको तेरी महक से पहचान जाऊंगा, मिलना कभी तू मुझसे चेहरा उतार कर। क्या बात है, क्या बात है, तुझको तेरी महक से पहचान जाऊंगा, मिलना कभी तू मुझसे चेहरा उतार कर। और उड़ने दे हसरतों को अब आसमान पर, ये उम्मीद भरा शेर है। बिल्कुल, कि उड़ने दे हसरतों को अब आसमान पर, दिल को कभी तो अपने बे इख्तियार कर। क्या बात है, उड़ने क्या दे हसरतों को अब आसमान पर, दिल को कभी तो अपने बे इख्तियार कर। और मिलना तुझे नदी में होना ए मुंतजिर, मिलना तुझे नदी में होना ए मुंतजिर, कतरे सी जिंदगी को मत आबशार कर। बहुत अच्छा, इतनी सुंदर रचना कर तो कहाँ छुपे हुए थे भाई। एक और आपकी नजर करता हूं ऐसा कि हमारे बीच में जो फासिला है, मैं एक कहना चाह रहा था आपको, कहा भी था मैंने कि गजल में हर हर चीज को आप शामिल कर सकते हैं, मनोविज्ञान, दर्शन, एवरीथिंग एंड ऑल, सब को शामिल कर सकते हैं। तो कि हमारे बीच में जो फासला है, हमारे बीच में जो फासला है, बहुत नजदीकियों का तर्जुमा है। वाह, हमारे बीच की जो दूरियां हैं ये इस चीज को बताती है कि निकटता को जाहिर कर रही है। कि अच्छा, हमारे बीच अच्छा। में जो फासला है, बहुत नजदीकियों का तर्जुमा है। और किसी दिन देख लेना पास आकर, किसी दिन देख लेना पास आकर कि मुझसे दूर तू कितना हुआ है। बहुत अगर अच्छे, तुझे कि अगर तुझे पता लगाना है कि तुझसे कितना बहुत दूर हूं, अच्छे तो भाई, पहले पास आ मेरे, फिर पता लगेगा बिल्कुल, तुझे। बहुत कि सुंदर, किसी दिन देख लेना पास आकर कि मुझसे दूर तू कितना हुआ है। और शकिस्ता याद की शाखों पे कल ही थकी हुई हाँ शकिस्ता याद की शाखों पे कल ही नए एहसास का एक गुल खिला है। बहुत अच्छा, शकिस्ता याद की शाखों पे कल ही नए एहसास का एक गुल खिला है। और कहीं ख्वाबों में है उसकी सुकूनत, सुकूनत मतलब हाँ निवास, निवास स्थान। कि जी, कहीं ख्वाबों में है उसकी सुकूनत, ख्यालों में जिसे दिल ढूंढता है। कहीं बहुत ख्वाबों अच्छा, में है उसकी सुकूनत, ख्यालों हाँ में जिसे दिल ढूंढता है। और किनारों पर उसे महसूस करके, किनारों पर उसे महसूस करके समंदर में ये जी डूबा रहा है। क्या बात किनारों है, पर उसे हाँ महसूस करके समंदर में ये जी डूबा रहा है। और उदासी की घनी परछाइयों में, जी, उदासी की घनी परछाइयों में खुशी की धूप का कतरा छुपा है। वो एक जज्बात जो मुझ में जमा था, वो एक जज्बात जो मुझ में जमा था, गमों की आंधियों से जल बुझा है। और गुजरता हूं मैं जब उसकी गली से, कहीं एक सोनापन सा चीखता है। और वहां रोशन है कुछ लम्हे मुअत्तर, मुअत्तर कहते एक एक खुशबूदार। हमारे बीच में जो फासला है, बहुत हाँ नजदीकियों का तर्जुमा है। और वहां रोशन है कुछ लम्हे मुअत्तर, वहां जी, रोशन है कुछ लम्हे मुअत्तर, तसव्वुर का जहां सूरज ढला है। और जिसे चाहा है हमने जिंदगी भर, जिसे चाहा है हमने जिंदगी भर, खलाओं में कहीं गुम हो गया है। और जिसे हम प्यार कहते हैं असल में, ये मेरी परिभाषा है, मैंने बताने अच्छी की बात, कोशिश की है अच्छी बात है, अच्छी कि बात, जिसे जिसे हम प्यार कहते हैं असल में, किसी जी एहसास का एक सिलसिला है, एक एहसास है वो चलता रहता चलता वही है, रहता है। वही है, जिसे हम प्यार कहते हैं असल में, किसी एहसास का एक सिलसिला है। एक जिंदगी पर एक लिखी है गजल मैंने, एक जी, फलसफा बयान करने की कोशिश की है, जी मैं सुनाना चाहूंगा, खास तौर पर बिल्कुल, सुनाना चाहूंगा। इस गजल में मैंने अपने अपनी समझबूझ से, जितनी मेरी समझबूझ है, जो मेरी नजर के अंदर जिंदगी का जो समझा है मैंने क्या है, वो बयान करने की कोशिश की है। कि कुछ खिले कुछ अध खिले से फूल जैसी जिंदगी,
कुछ खिले कुछ अधखिले से, फूल जैसी जिंदगी रेगजारों में घिरी, बबूल जैसी जिंदगी। क्या बात, कुछ खिले कुछ अधखिले से, फूल जैसी जिंदगी रेगजारों से घिरी, बबूल जैसी जिंदगी। अब देखिएगा किस तरह से बात कही है, यास के सहरा में, यास के गहरे समंदर में बिना पतवार की, यास के गहरे, यास कहते हैं निराशा, यास के गहरे समंदर में बिना पतवार की डगमगाती नाव के मस्तूल जैसी जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है, यास के गहरे समंदर में बिना पतवार की डगमगाती नाव के मस्तूल जैसी जिंदगी। और एक चित्र खींचा है जी, राह राह भर थकचूर, राहे गुमशुदा मंजिल धुआं, राह भर थकचूर, राहे गुमशुदा मंजिल धुआं, प्यास के सहरा सी सांसें धूल जैसी जिंदगी। राह भर थकचूर, राहे गुमशुदा मंजिल धुआं, प्यास के सहरा सी सांसें धूल जैसी जिंदगी। और ख्वाब की जरखेज धरती पर तसव्वुर एक दिन, ख्वाब की जरखेज धरती पर तसव्वुर एक दिन, गो गुल की बजाए शूल जैसी जिंदगी। ख्वाब की जरखेज धरती पर तसव्वुर एक दिन, वो गया गुल की बजाए शूल जैसी जिंदगी। और कुछ इरादे साथ लेकर दर बदर फिरती रही, कुछ इरादे साथ लेकर दर बदर फिरती रही, तलख सच्चाई से भटकी भूल जैसी जिंदगी। और एक दिन ये बोलकर छोड़ा शजर को खार ने, एक दिन ये बोलकर छोड़ा शजर को खार ने, जी नहीं पाया कभी मैं फूल जैसी जिंदगी। और इस शेर पे गौर कीजिएगा, थोड़ा मुश्किल है ये, कि कत्ल करके आरजू का, कत्ल करके आरजू का बेहिसी के गार में, कत्ल करके आरजू का बेहिसी के गार में, जी रहे एहसास भी मक्तूल जैसी जिंदगी। कत्ल करके आरजू का बेहिसी के गार में, जी रहे एहसास भी मक्तूल जैसी जिंदगी। और ये देखिएगा याद को किस तरह से डिफाइन किया है, कि सांझ यादों का महाजन, सांझ यादों का महाजन आ धमकता है कि अब, सांझ यादों का महाजन आ धमकता है कि अब, हो गई गोया मेरी महसूल जैसी जिंदगी। क्या बात, सांझ यादों का महाजन आ धमकता है कि अब, हो गई गोया मेरी महसूल जैसी जिंदगी। कुछ खिले कुछ अध खिले से, फूल जैसी जिंदगी, रेगजारों में घिरी बबूल जैसी जिंदगी। कोई ऐसी गजल सुनाइए तो आपने बहुत चाहा हो लेकिन। एक गजल सुनाता हूं, अजल से बोझ अपनी जिंदगी का ढोए जाते हैं, अजल से बोझ अपनी जिंदगी का ढोए जाते हैं, निभा के अश्क इस तकदीर पर बस रोए जाते हैं। जो मुझे अति प्रिय है, क्योंकि इसी गजल के अंदर जो एक शेर है, वो मेरा जो गजल संग्रह जिसका मैंने नाम दिया राना ये ख्याल, वो इसी के अंदर आती है, इसलिए मुझे थोड़ा अति प्रिय है ये, कि अजल से बोझ अपनी जिंदगी का ढोए जाते हैं, अजल से बोझ अपनी जिंदगी का ढोए जाते हैं, निभा के अश्क इस तकदीर पर बस रोए जाते हैं। अजल से बोझ अपनी जिंदगी का ढोए जाते हैं, निभा के अश्क इस तकदीर पर बस रोए जाते हैं। और रुमाले जिस्त अफसुरदा हुआ वादा खिलाफी पर, रुमाले जिस्त अफसुरदा हुआ वादा खिलाफी पर, जिसे अब तक भी हम आवारगी से धोए जाते हैं। रुमाले जिस्त अफसुरदा हुआ वादा खिलाफी पर, जिसे अब तक भी हम आवारगी से धोए जाते हैं। और देखिएगा कि तभी दिल की जमी से फूट सकते हैं वफा के गुल, तभी दिल की जमी से फूट सकते हैं वफा के गुल, कि जब एहसास के कुछ बीज उसमें बोए जाते हैं। तभी दिल की जमी से फूट सकते हैं वफा के गुल, कि जब एहसास के कुछ बीज उसमें बोए जाते हैं। और भुलाकर मंजिले रुखसार
तज के पथ निगाहों का, भुलाकर मंजिले रुखसार, तज के पथ निगाहों का, घनेरे गेसुओं में दीदा दिल खोए जाते हैं। और वही उम्मीद के सपने थे जिनसे शब में रानाई, मेरा गजल संग्रह का नाम मैंने राना ये ख्याल रखा है, वो इसी के कारण रखा था कि वही उम्मीद के सपने थी जिनसे शब में रानाई, ख्याले यार की आगोश में अब सोए जाते हैं। वही उम्मीद के सपने थी जिनसे शब में रानाई, ख्याले यार की आगोश में अब सोए जाते हैं। और बड़े ना कद्रदां ना मेहरबान ना आशना है वो दीवाने जिनकी खातिर इस कदर हम होए जाते हैं। और शेर देखिएगा अब आखिरी शेर, कि जिन्हें हम ढूंढते हैं मुंतजिर ख्वाबों ख्यालों में, जिन्हें हम ढूंढते हैं मुंतजिर ख्वाबों ख्यालों में, न जाने किन खलाओं में वो दिलबर खोए जाते हैं। अजल से बोझ अपनी जिंदगी का ढोए जाते हैं, निभा के अश्क इस तकदीर पर बस रोए। मैं ये चाह रहा हूं कि आप कब तक प्रकाशित करेंगे अपने संग्रह को? कहानी बहुत लिखी हुई है, नहीं तो लगभग बहुत कम लिख पा रहा हूँ मैं, समय नहीं मिल पाता मुझे, लेकिन पुरानी जो है बहुत सारी हैं जिनको मैं ठीक करता रहता हूँ बैठा बैठा, तो वो जिस दिन हो जाएंगी 100 के आसपास हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, दिन मैं प्रयास करूंगा, और बहुत लंबे समय से प्रयास चल रहा है मेरा। जब भी ये संभव हो जाए, पुस्तक सामने आ जाए, तब जरूर बताइए। उस मौके पर फिर आपसे एक साक्षात्कार करने की उम्मीद रखता हूं, ठीक है ना? जी जी एक एक, 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 एक उस पुस्तक के साथ जी ठीक है, ठीक है जी सर। आज के लिए समय की बाध्यता है, इसलिए यहीं विराम करते हैं अपन। दिया आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका ही मंच है, जब आपकी इच्छा हो आप कॉल करिए, हम आपके साथ हैं, और जैसे ही पुस्तक प्रकाशित हो तो आप जरूर इन्फॉर्म करिए। बिल्कुल श्योर सर, तब तब करेंगे जी जी बिल्कुल, ठीक है ना? ठीक है ना जी, अभिवादन, बहुत बहुत अभिवादन जी।